विकास करा, करते करते बूढ़ी होगी। यहाँ झोंपड़ी में रह रहे हैं यार, नल ना नूलो कुछ ना, पानी की समस्या यहाँ, बोट का ये बना देनी चाहिए और भी बढ़िया है। अरे भाई ऐसा है, कुछ तो हम आप बेकूफ़ी पे हैं, कुछ हमारा कार्यकर्ता बेकूफ है। कोई गौर ना दे, ना शिक्षा पे दे रो, ना कोई पानी पे दे रो, पिसाई पब्लिक मर रही है, ना कोई राजस्थान पे गौर दे रो। नेता जितना भी हो रहा है अपने घर बनाने को हो रहा है, पब्लिक पे कोई गौर ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल मीडिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारी मौजूदगी है कामा विधानसभा के दौलाबाज के अंदर, और हम आपको जगह जगह के आपके लिए सर्वे दिखाई है कि कौन अपना विपक्ष रख रहा है और किस गांव में कितना विकास हुआ है। सब ने अपना विपक्ष रखा है, और कौन अब की विधानसभा के अंदर जो चुनाव होने वाला है, कौन किसके लिए वोट करेगा, हम इसी चीज़ को लेकर गांव-गांव जाकर अपनी सर्वे कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चले हम अपने यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए उनसे बात करते हैं। जी तब आपका नाम क्या है? नूरदीन। नूरदीन, अच्छा नूरदीन भाई आप ये बताइए कि अब की विधानसभा के अंदर जो चुनाव होने वाला है, आप किसको वोट करेंगे? सब जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए कम वोट करेंगे हम। अभी तक आपने सोचा नहीं मुझे किसको वोट? ना अभी तक ना सोचा। अच्छा जो अब समय पे सोचेंगे, एंड टाइम पे। जो अब तक आपके गांव के अंदर जो यहाँ इस वक्त राज्य मंत्री है मंत्री जाहिदा खान, उसने अब तक आपके गांव के अंदर कितना विकास कराया है? वो विकास करा, करते करते बूढ़ी होगी। अच्छा, और शिक्षा को लेकर आपके गांव के अंदर स्कूल है? हमने देखा है कि यहाँ अक्सर बच्चे, मैंने जब भी यहाँ मेरा गुजर हुआ है कि बच्चों को डोलते हुए देखा है, ना कि पढ़ते हुए। इसमें आपका क्या कहना है? अरे भाई ऐसा है, कुछ तो हम आप बेकूफ़ी पे हैं, कुछ हमारा कार्यकर्ता बेकूफ है। कोई गौर ना दे, ना शिक्षा पे दे रो, ना कोई पानी पे दे रो, पिसाई पब्लिक मर रही है, ना कोई राजस्थान पे गौर दे रो। नेता जितना भी हो रहा है अपने घर बनाने को हो रहा है, पब्लिक पे कोई गौर ना है। अभी तो आपने ये कहा था कि राज्य मंत्री जो हैं मंत्री जाहिदा खान, वो हमारे यहाँ विकास करा रही है, और उसी के बदले आप ये कह रहे हैं कि हाँ हमारे लिए पानी का कोई वो नहीं है, ये क्या बात है? कोई व्यवस्था ना पानी की, तो हम तो बता तो रहे हैं आप लोग। फिर विकास क्या क्या बहान में बोर हो जाए, फिर विकास क्या क्या है जो आप विकास के? अरे अब तुम विकास ही पूछो तो विकास तो कुछ है ही ना है, कुल मिला के। जी भाई जी, आपका नाम? मेरा नाम ये बताएगा आप, अपना विपक्ष मोहम्मद अरुमत। अच्छा, यहाँ आपने जो होने वाला चुनाव है कामा विधानसभा के अंदर, आप किसको वोट करेंगे? समय आने पर नहीं, फिर भी आपने कोई सोचा नहीं है? अरे यहाँ झोंपड़ी में रह रहे हैं यार, नल ना नूलो कुछ ना, पानी की समस्या है यहाँ, बोट का ये बना देनी चाहिए और भी बढ़िया है। सही बात है। अच्छा हाँ, सही बात तो ये है कि जो यहाँ की फिलहाल जो मंत्री जाहिदा खान है, उसका विकास आपको यहाँ देखने को मिला है नहीं मिला है? हाँ मिला, खंजरा लगा हुआ। जी खंजरा लगा हुआ है, मिला है मिला क्यों नहीं है? और कोई विकास है? और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। फिर अब के बार आपने ये सोचा नहीं कि हमें किसको वोट देना है? समय आने पे पता लगेगी, जब भी वोट देनी है। अच्छा, इससे पहले नहीं कह सकते आप? चलो और भाई जो आपका कार्य है वो कैसा रहा? भैया तो ये बताएंगे, हम तो 2 साल से यहाँ पे आए। आप बताओ कई दिन को ना रहे हो? नहीं, आप अपना विपक्ष रख रहे हैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है भाई। आपका काम हुआ है तो आप बताइए, नहीं हुआ तो नहीं बताइए। कोई काम नहीं हुआ मंत्री, 5 साल का कार्य आपका, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। मंत्री जाहिदा खान साहब खुश नहीं है? खुश, उधर रुपए लेके नहीं कर दिया। अच्छा, जो अब की बार विधानसभा के अंदर आप किसको यहाँ नेता बनने की सोच रहे हैं? अभी तो कोई ना पता, कोई नहीं है अभी, कोई ना कैसे भी ना कह सके। आपके यहाँ विकास हुआ है? कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। वो शिक्षा मंत्री, शिक्षा को लेकर कोई विकास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके गांव के अंदर वो जीतने के बाद आपके गांव के अंदर एक आध मरतब वहाँ दौरा किया है नहीं किया है? कोई दौरा फौरन ना कर, कोई दौरा नहीं किया, मतलब आपके यहाँ ही नहीं है। इसका मतलब वोट को लेकर उसके बाद आपके पास कोई आई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा जी भाई, अब अगर यहाँ नेता लोग आएंगे आपके सामने, आपसे वोटिंग मांगेंगे और मंत्री जाहिदा खान भी यहाँ आएंगे, तो क्या आप उनको यहाँ का विकास याद दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे, विकास के कहेंगे, विकास के लिए कहेंगे ना? 5 साल का कार्य जो गुजरा है उसका विकास कहाँ करेंगे? अगर उसने आपको भरोसा दिलाया कि अब की बार जो हो गया वो हो गया, अब की बार हम काम कराएंगे, तो फिर आप उसी को वोट करेंगे या किसी और नेता? देखेंगे, इसके बारे में कोई फैसला है नहीं। जी आपका नाम? जहूर है।
जहूर जहूर भाई, अब की बार कामा विधानसभा के अंदर जो चुनाव होगा उसको में आप किसको चुनेंगे? बहुत टाइम बताएगा कस चुनाना। अच्छा, जायदा का विकास कैसा लगा आपको? यार विकास तो कस तरह के देखें, कहाँ से आया आप? कामा से आया? हाँ कामा से लगा लीजिए। तो आप देखोगे विकास तो रोड को? हम तो यहाँ देख रहे हैं, हम तो गांव गांव जा रहे हैं, हमने तो सब विकास देखा है, लेकिन हमें लोगों की राय जाननी है, हमने लोगों की जो बातें हैं वो आगे तक पहुँचानी है, इसमें आप बताइए। यार हम बताऊँ काफ़ी टाइम बताओ बूटन को तो आ रही हैं। मंत्री जायदा खान का जो 5 साल का जो कार्य रहा है वो किस तरीके का रहा है? यार कार्य अब तू देखना रहोग भाई, तू उन देखो है स्कूल वकूलन को सारा, उनको पानी भरो पड़ो पर लिखा लू कीचड़ हो रही है स्कूल में, भीतर चल दिखा कर लूँ तुम। पानी वानी का विकास हुआ है? पानी को इस्तेमाल देखो पड़ो हद से ज़्यादा, पानी की ज़्यादा कमी है रोडन। और रोड वोड आपके यहाँ? रोड अब देखते रहो यार, तू आयो ना रोड पे के आप बताओ ना, हम फोर लाइन निकली पड़ी है। और पूछी जा तू। अच्छा, यहाँ अब लोग अलग अलग नेता आपके पास आएंगे और हर एक नेता आपको भरोसा दिलाएगा, सब नेता ये कहेंगे आप हमें चुने हम आपका विकास कराएंगे, फिर आपको क्या लगता है कि और नेता बदलेंगे, आप मंत्री जायदा खान को चुनेंगे? बात देख अपनी बोझ बना रहा सब पब्लिक नेता, तो यार देख के नहीं चुनेंगे भाई, तो कौन काम करवाएगा ना करवाएगा। देखो यहाँ अगर ऐसा हुआ कि कांग्रेस का टिकट अगर जायदा को नहीं मिला किसी और शख्सियत को मिल जाता है तो फिर आप किसको वोट करेंगे? भाई देंगे कांग्रेस लीजिए, अगर जायदा को मिलता है तो वोट तो कांग्रेस जब भी दे देंगे। बदल दे तो बहुत अच्छी बात है, कर सके हम जब भी कांग्रेस में देंगे वोट तो कांग्रेस आपकी कांग्रेस को जाएगी। हाँ किसी को मिल जाए अच्छा, भंगी मिल जाए पक्का है यहाँ से, बिल्कुल कांग्रेस ही टिकट है, बिल्कुल देता ही यार देंगे भी, काम हो या ना वो काम हो या ना हो वोट तो कांग्रेस में। बहुत सारे चेहरा सामने आ रहे हैं, जैसा कि मुख्तियार साहब हैं वो पढ़े लिखे युवा हैं तो वो कांग्रेस टिकट का दावेदार हो रहे हैं, तो आप बट टिकट मिल जाएगा ध्यान दे देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है हमको वोट कांग्रेस की। आपने देखा और सुना लोगों का जो कहना है वो ये है कि अब की बार हम अगर चुनाव अब की बार हम जब इलेक्शन होगा तो उसमें वोट करेंगे तो कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, अब चाहे वो टिकट किसी को भी मिल जाए। ऐसे ही हर नई ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें पल पल मीडिया से, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें।